जी किन मामले में आज कोर्ट में पेशी हो रही है? हटाओ ना जी, आप एक मदद करने उसी वक्त रेलवे का कोई केस था बेल पर थे, जानकारी नहीं हो पाई थी तो कोर्ट का समन गया था तो आना पड़ा। सवाल है कि लगातार आंदोलन, लगातार लड़ाई, चलिए ना भैया जिस तरीके का आंदोलन और संघर्ष में हुआ, कल गया में थे, गया में जिस तरीके की घटना घटी, हम लोग क्या रात में, परसों रात में लगभग बालू माफिया लोग पाँच पाँच छः छः लोग की हत्या हो गई और 15 लोग को लगभग घायल हो गए। लगातार जो घटना घट रही है, अभी समस्तीपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, उजियारपुर में मैं वहाँ जाऊँगा और जो स्थिति है उसमें हमने कल भी ट्वीट किया है कि हमें अपराध और अपराधियों को मिटा देने की जरूरत है, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो और उसमें नेता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है और सोसाइटी का। तो बिहार के लिए आज सबसे बड़ा इशू और सवाल है कि यदि बिहार को पीस देखना चाहते हैं और बिहार के डेवलपमेंट में, यदि दिल्ली की भूमिका नहीं है और दिल्ली ने बिहार को सबसे निचले पोदान पर कर दिया। अब अमित शाह जी आए थे, आप नैरेटिव तय करते हैं सीमांचल में जाके, हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी, आपको बात करना चाहिए कि विशेष राज का, विशेष पैकेज का क्या हुआ, आपको बात करना चाहिए था कि बाढ़ से आज तक आप आज मुक्ति क्यों नहीं दिला पाए, आपको बात करना चाहिए था कि कोसी, गंगा, कमला, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक जो नदी है उसमें जो गाद जमी हुई है जो बिहार को समाप्त कर देगी, फरक्का और भीमनगर बैरेज पर आपको बात करनी चाहिए, आपको बात करना चाहिए बिहार के पलायन पर क्या स्थिति है, आपको बात करना चाहिए फूड प्रोसेसिंग पर, मक्का पर, मखान पे, जो बंद पड़ी दूध फैक्ट्री है, आप यहाँ आकर के बात कर नैरेटिव 2024 का तय सीमांचल कीजिएगा। अरे दही चूड़ा वाले लोग हैं ना हम, मिठास और प्रेम से जीते हैं, आप जितना भी नफरत और डर पैदा कीजिएगा तो यहाँ तो दही चूड़ा में हम लोग रिश्ता पैदा करते हैं, तो कौन यहाँ डरने वाला है? पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जिस बिहार में पैदा हो, देखिए मेरे, मैं नेताओं के लिए भी चैलेंज हूँ और अपराधी और माफिया तो खैर चैलेंज हुई ही, उन्हें आम आदमी को डराने के पहले नेता कोई भी हो, सिस्टम कोई हो, आप नफरत के आधार पर बिहार में राजनीति नहीं होती, ये मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं। इसीलिए हमारी लड़ाई, हमारी पार्टी की लड़ाई, हमारे सारे लीडर इसमें कहीं नहीं, हर कीमत पर हम कैसे समस्तीपुर को सेफ रख सकें, अपराधियों से मुक्ति कर सकें, कैसे हम आम आदमी की मदद कर सकें, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते। पीआईए पर जो प्रतिबंध लगाया गया क्या है सर, आप बताइए। भाजपा को 2024 में अलग करने के लिए जैसे नीतीश कुमार ने एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि सफलता मिलेगी? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पीएफआई आप 8 साल से कहां सोए हुए थे? मेरा बीजेपी से सबसे बड़ा सवाल ये है, आप 56 इंच की सीना है चाइना ढुक गई, 56 इंच की सीना है नेपाल हमारे भारत में ढुक करके मार रहा है, 56 इंच की सीना है आप कहते हो कि हिंदू खतरे, 8 साल के बाद भी हिंदू खतरे और मंदिर खतरे में, मस्जिद गोर गुरुद्वारा खतरे में है, मुगल और अंग्रेज हमको चैलेंज नहीं कर पाया, औकात नहीं हुई, और आज किसको औकात है भाई? 8 साल के बाद ही भी इसको राहुल 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 नजर आता है। सीबीआई ईडी कब तक आप 8 साल के बाद 32 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं रही तब भी राहुल गांधी क्यों, और 18 साल से आप थे तब भी जंगल राज क्यों, पीएफआई को बैंड क्यों नहीं किए? मतलब संघ बोले तो राष्ट्रवाद, और कोई भी संगठन अपने राइट की बात करे तो आतंकवाद, दलित बोले तो उग्रवाद, आदिवासी बोले तो उग्रवाद, कमजोर तबके बोले तो आतंकवाद, और संघ जो बात बोल दे तो वो राष्ट्रवाद, और पप्पू यादव बोले तो क्या मानवतावाद। सर सर नीतीश कुमार जी प्रयास जेपी के तरह कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का जो वे था, जो कैरेक्टर था, उसी पर इस कंट्री में राजनीति होगी, चाहे जिस मुद्दे पर हो। नीतीश कुमार जी ने एक बार रास्ता तय किया है, मैं उम्मीद करता हूं बाबू जगजीवन राम, ललित नारायण मिश्रा,
कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव कुशवाहा जी, इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बिहार से नहीं बना। यदि विपक्ष की गोलबंदी में भूमिका नीतीश कुमार जी की एक ईमानदार चेहरा है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मैं नहीं करूंगा, यदि कांग्रेस की सहमति हुई और विपक्ष एक हुए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को तय करना पड़ेगा आने वाले समय में कि भारत का प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कैसा होगा और विपक्ष के लिए एक नेतृत्व कौन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कन्वेनर के रूप में नीतीश कुमार जी अच्छा चेहरा। थैंक यू।